नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में। इससे पहले मैं काफ़ी कौशलों के बारे में बता चुका हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान, जिसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसमें बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं बीएड से संबंधित ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन सभी को आप देखिए। हिंदी के बहुत सारे वीडियो हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितनी भी जो डिटेल्स हैं, प्रथम पूर्ति जो चैम्पट की होती है, जैसे छात्र अध्यापक का नाम है, कक्षा है, प्रकरण है, विषय है, कालांश है, दिनांक है, समय अवधि है, ये सारी चीज़ें टोटल आपको बोर्ड के ऊपर आते ही लिखनी होती है। उसके बाद जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा का सारा डायरी के अंदर काम करना ही करना है। और ये जो पहली जो पूर्ति है ये डायरी के अंदर ही करनी है, यानी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो टोटल डायरी के अंदर आपको करना ही करना है। पूर्व ज्ञान लिखना है, पूर्व ज्ञान के अंदर विद्यार्थी गुप्त साम्राज्य एवं मौर्य वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे यदि मान लो दूसरा कोई टॉपिक होता, कंप्यूटर होता, तो विद्यार्थी कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लेना है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट जो भी इतिहास वगैरह जो भी है आपका वो चेंज कर लेना है और उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट के बारे में, इसी फॉर्मेट के अंदर, इसी लैंग्वेज के अंदर आपको कौशल तैयार करना है। उसके अंदर शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंदर संकेतक है, लपेट फलक है, जाड़न है, श्वेत वर्तिका है, यानी चौक, एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। विशिष्ट के अंदर कोई आप चार्ट का उपयोग कर रहे हो, रंगीन चौक का उपयोग कर रहे हो, या अन्य कोई इस प्रकार की विशिष्ट सामग्री जो सामान्य सामग्री से हटकर है, तो वो चीज़ आपको विशिष्ट के अंदर डालनी है। इसके बाद में विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर विधि या अन्य शिक्षण सहायक विधियां जिनका भी आप उपयोग कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद में सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के अंदर विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यदि आपका विज्ञान सब्जेक्ट है तो विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चेंज करना है और लैंग्वेज सेम हो जाएगी। विद्यार्थियों को गुप्त साम्राज्य एवं मौर्य वंश के बारे में जानकारी देना, यहाँ पे यदि मान लो आपका टॉपिक कोई अन्य होता, मारणा प्रथा होता, तो विद्यार्थियों को मारणा प्रथा के बारे में जानकारी देना, यानी जो भी है यहाँ पे प्रकरण चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वाक्य चेंज हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, विद्यार्थियों में इतिहास के में घटित घटनाओं के बारे में बताना, तो यहाँ पे इतिहास के बारे में घटनाएं घटती हैं इतिहास में, तो घटनाएं लिख दी हमने। विज्ञान होता तो विज्ञान में हुए प्रयोगों के बारे में, शोधों के बारे में होता। कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर में हुए विकास कार्य के बारे में जानकारी देना, कंप्यूटर के विकास को समझाना या कंप्यूटर की पीढ़ियों को जानकारी देना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी होती है। ये सामान्य उद्देश्य हो गए, सामान्य उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे 3-4 डाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर उद्दीपन परिवर्तन कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा अभ्यास के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना, ये लिखना होता है। यानी जो घटक हैं उसके अभ्यास करोगे आप, और अभ्यास करने के बाद में आप उसमें कौशल के अंदर दक्षता प्राप्त करोगे, वो चीज़ होता है उसका विशिष्ट उद्देश्य। अब इसमें ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको विषय वस्तु लिखनी है और विषय वस्तु में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आचार्य चाणक्य कहाँ के प्रमुख शिक्षक थे, तो तक्षशिला के, तो ये जैसे कक्षा में चलते हुए आप क्वेश्चन पूछोगे, या कक्षा में घूमते हुए, या कक्षा में पीछे वाली लाइन में जाते हुए, या इस प्रकार के मतलब कहने का अलग अलग संचलन चलते हुए घूमते हुए, या इस प्रकार की आपके जो एक्टिविटी है वो होनी चाहिए जिसमें संचलन घटक जो है वो पूरा होता है। विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर विधि, इसी प्रकार से आवाज बदलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, तो जैसी जो अपना कोई भी क्वेश्चन से संबंधित लैंग्वेज में जिस जहाँ पे उतार चढ़ाव आ रहा हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि स्वर में उतार चढ़ाव नामक घटक जो है वो पूरा हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अंत क्रिया शैलियों में परिवर्तन, या दृश्य सर्वे बदलाव, या विद्यार्थियों की शारीरिक सहभागिता,
तो इस प्रकार से मतलब ये उद्दीपन परिवर्तन है जिनको आप उपयोग में लेते हो जब उद्दीपन परिवर्तन कौशल काम में लेना हो या उद्दीपन परिवर्तन को आप लेसन में या कौशल के अंदर काम में लेना हो तो उस कंडीशन में इन सभी उद्दीपन परिवर्तन को आपको काम में लेना होता है। एक विशेष जैसे मान लो चार्ट की ओर संकेत करते हुए यहाँ पे मिनीचर वगैरह लगाना है, जैसे चार्ट हो गया मॉडल हो गया तो यहाँ मॉडल होता है, मॉडल की ओर संकेत करते हुए केंद्रण करता हो गया कि बच्चों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए सारा का सारा, यानी केंद्रण एक बिंदु पे। कहीं पर पुनर्वलन का उपयोग कर लिया, कहीं पर अंत्यक्रिया शैली में परिवर्तन कर लिया, कहीं आवाज़ बदल दी, कहीं चलते हुए पूछ लिया, घूमते हुए पूछ लिया, आगे वाली लाइन में से पूछ लिया, या कोई ऐसा बच्चा जो जिसको उत्तर नहीं आ रहा उससे पूछ लिया, हाथ खड़े करवा लिए किसी से कि हाथ खड़े करो उसके बाद उत्तर देना है। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी आओ पाओ आपको देनी है, ये इसका फॉर्मेट रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में इसके जो घटक हैं, संचलन हो गया, स्वर में उतार चढ़ाव हो गया, अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन हो गया, सर्वेदर से बदलाव हो गया, विद्यार्थियों की शारीरिक सहभागिता, केंद्रण, विराम, हाव भाव। ठीक है, विराम यानी कि जैसे मान लो कक्षा के अंदर शोर मचा हुआ है तो आप बिल्कुल जब पढ़ा रहे हो तो शांत हो जाओ, आप खुद बच्चों का ध्यान आपकी ओर आ जाएगा और वो चुप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब आपको अलग अलग एक्टिविटी ये करनी होती है। इसके बाद में प्रवेशक टिप्पणी हो गया, सहपाठी के हस्ताक्षर हो गए और प्रवेशक हस्ताक्षर हो गए। तो इस प्रकार से आप जो है इस कौशल को बनाइए और इसके बाद में मैं प्रदर्शन कौशल को भी इसमें अपडेट करने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर दें।